लद्दाख के आसमान में रहस्यमयी घटना घटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने 23 अप्रैल से 24 अप्रैल को लद्दाख की हानले वेधशाला में अपने कैमरे में खास तरह की लाइट्स को कैद किया, जो वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। वे यह जानने में जुट गए हैं कि लद्दाख के आसमानों में दिखने वाली ये प्राकृतिक रोशनी कहीं ऑरोरा लाइट्स तो नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी ऑरोरा लाइट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति भी कहा जाता है, आकाश में दिखने वाले एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है। यह मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों में देखा जाता है। इनकी उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जैसे कि सूर्य से आवेशित कण। जब सूर्य लगातार आवेशित कणों यानी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा, जिसे सौर वायु कहा जाता है, अंतरिक्ष में छोड़ता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन आवेशित कणों को ध्रुवों की ओर मोड़ देता है। वायुमंडल से टकराव। जब ये आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे वायु कणों यानी मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं, तब ये उत्पन्न होते हैं। आयनीकरण और उत्तेजना। टकराव के दौरान आवेशित कण वायु कणों को आयनीकृत यानी कि इलेक्ट्रॉन हटाकर और उत्तेजित करते हैं। प्रकाश उत्सर्जन। जब उत्तेजित वायु कण अपनी सामान्य स्थिति में वापस आते हैं तो वे ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। इसी प्रकाश को ऑरोरा लाइट कहा जाता है। इनकी रोशनी कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनका रंग टकराने वाले आवेशित कणों के प्रकार और वायुमंडल में टकराव किस ऊंचाई पर होता है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि हरे रंग की ऑरोरा रोशनी, यह सबसे आम रंग होते हैं। ये ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित होता है जब वे लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर टकराते हैं। लाल रंग की ऑरोरा रोशनी तब देखने को मिलती है जब ऑक्सीजन अणुओं द्वारा उत्सर्जित होता है और लगभग 200 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर टकराते हैं। नीले रंग की ऑरोरा रोशनी तब दिखाई देती है जब नाइट्रोजन अणुओं द्वारा उत्सर्जित होता है और लगभग 90 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर टकराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास सबसे मजबूत होता है, इसीलिए ऑरोरा लाइट आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में दिखाई देते हैं, जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक और भारत भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, जो चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ ऑरोरा लाइट देखना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में भारत के उत्तरी भागों में ऑरोरा लाइट की झलक दिखाई दे सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब सौर गतिविधि अत्यधिक तीव्र हो, जिसके परिणाम स्वरूप आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुछ हिस्सों में ऑरोरा लाइट की दुर्लभ घटनाएँ देखी गई हैं। 2012 में सौर तूफान के कारण भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कम समय के लिए हरे, लाल और नीले रंग की रोशनी दिखाई दी थी। 2015 में एक और सौर तूफान ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में ऑरोरा लाइट का प्रदर्शन किया था और एक बार फिर यानी कि 2024 में अप्रैल के महीने में लद्दाख में ऑरोरा लाइट देखी गई। इन लाइट का भारत में अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि सौर तूफान यानी कि जब सूर्य से बहुत अधिक ऊर्जावान कण पृथ्वी की ओर निकलते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। यह गड़बड़ी भारत में बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकती है और अंतरिक्ष मौसम, जो सौर गतिविधि से प्रभावित होता है, भारत में मौसम के पैटर्न को भी थोड़ा प्रभावित कर सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑरोरा लाइट न केवल एक सुंदर प्राकृतिक घटना है, बल्कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।